सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी हो, हर किसी का अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए बहुत प्यार होता है। और किसी भी देश को आइडेंटिफाई करने का जो एक प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है उस देश का झंडा, उस देश का फ्लैग। अब ऐसे में हम कई बार अपने देश के प्रति प्यार को संबोधित करने के लिए, लव को, अफेक्शन को शो करने के लिए हम उस झंडे का प्रयोग कभी अपने सीने पे अपने फ्लैग का बैज लगाकर करते हैं, कभी अपनी टेबल पर एक छोटा सा फ्लैग लगाकर करते हैं, कभी अपने रूम में अपने देश का झंडा लगाकर करते हैं, या फिर अपनी गाड़ी में झंडा लगाकर करते हैं, अपने कंप्यूटर में झंडे का वॉलपेपर लगाकर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में कर्सर के साथ अपने देश का, चाहे आप किसी भी देश के हों, आप अपने कर्सर के साथ लहराता हुआ एक झंडा लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर यहाँ पर देख रहे हैं एक एनिमेटेड एरो कर्सर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इस ट्रिक के साथ साथ इस वीडियो में आप झंडे के साथ साथ कोई भी एनिमेटेड कर्सर भी लगा सकते हैं। हालांकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कर्सर डिजाइन करना बताया था, उस कर्सर में भी आप अपना झंडा डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिनको डिजाइनिंग में अभी हाथ सेट नहीं है या फिर डिजाइनिंग में थोड़े से बिगिनर है, जिनको अभी डिजाइनिंग करना नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप एक डिजाइन कर्सर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर उसके लिए आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर आप हैं और यहाँ पर आप अपने देश का नाम, सपोज मैं यहाँ पर फ्लैग कर्सर या फिर इंडियन फ्लैग, जैसे मैं भारतीय हूं तो इंडियन फ्लैग कर्सर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स मेरे पास आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इंडियन फ्लैग कर्सर, सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है कर्सर्स फॉर यू, इसको ओपन कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट आ रही है फ्री फ्लैग रिबन्स कर्सर्स। ठीक है, तो इसमें से आपको जो भी वेबसाइट पर जो भी मनपसंद कर्सर लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये कर्सर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट को ओपन करते ही ऑटोमेटिकली मेरे कर्सर के साथ यहाँ पर इंडियन फ्लैग आ रहा है। दूसरी वेबसाइट है ये टोटली फ्री कर्सर, यहाँ पर एनिमेटेड कर्सर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनिमेटेड कर्सर चाहिए तो डेफिनेटली आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे सपोज मैं यहाँ पे इंडियन हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया के इस फ्लैग पर क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्लिक टू डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक टू डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने पर यहां पर आपके पास एक फाइल डाउनलोड हुई है india.ani। ठीक है, .ani मींस एनिमेट एक्सटेंशन है ये। ठीक है, यहां पर आपको लगभग हर देश का झंडा यहां पर आपको मिल जाएगा, हर देश का फ्लैग आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएसए, पायरेट फ्लैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडोनेशिया, मैक्सिको एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर अब बात आती है कि हम इस फ्लैग का यूज कैसे करेंगे। .ani की फाइल है, इसको हम लोकेट करते हैं। जो फ्लैग है, जो कर्सर है, वो हमारा डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे हमने डाउनलोड में गए तो आप देख सकते हैं india.ani। ठीक है, इसको आप यहाँ से कट कर लेंगे और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सी ड्राइव में या फिर आपकी जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है उसमें आप जाएंगे और इसमें आपको उस ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा विंडोज। जैसे सी ड्राइव में विंडोज, आपकी डी ड्राइव में इंस्टॉल है विंडोज तो डी ड्राइव में विंडोज, तो सी ड्राइव में विंडोज मिला मुझे, विंडोज में जाएंगे, देन कर्सर्स यहाँ पे आएगा, कर्सर्स में जाएंगे और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर देंगे जो हमने वहां से कट करी है, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। That means कि जो फाइल हमने डाउनलोड करी है आप उसको वहां से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। हम उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि सिक्योर रहे, कल को कहीं वो फाइल हम डिलीट कर दें, हालांकि वहां से भी हम सेट कर सकते हैं लेकिन वहां से फाइल हम डिलीट कर देंगे तो हमारा सिस्टम करप्शन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस फाइल को सेव कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, इसको अब आप क्लोज कर सकते हैं, वेबसाइट को भी क्लोज कर सकते हैं। हर वेबसाइट पर आपके पास काफी सारी वेबसाइट्स हैं, सब वेबसाइट पर आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप कोई एनिमेटेड कर्सर्स कुछ और चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर मेरा कर्सर देख रहे हैं, एनिमेटेड रेनबो एनिमेटेड यहाँ पर कर्सर देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, इसी तरीके से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। सपोज यहाँ पर आप एनिमेटेड फ्लैग कर्सर या फिर ओनली एनिमेटेड कर्सर, जिस भी टाइप का कर्सर आप डाउनलोड करना चाहें, यहाँ से आप वेबसाइट्स को विजिट कीजिए और उन पर से वो कर्सर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक एनिमेटेड कर्सर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडिया का कर्सर डाउनलोड कर लिया था और उसको विंडोज में पेस्ट कर दिया था। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, यानी कि जो सेम मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वही फॉलो करना है। कंट्रोल पैनल में यहाँ पे आप ऊपर कॉर्नर में सर्च कर लेंगे माउस। ठीक है, इस तरीके से MOUSE माउस सर्च करेंगे तो यहाँ पर माउस आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइंड आउट करें
माउस, ठीक है, इस तरीके से स्मॉल आइकन व्यू में आपको इस तरीके से माउस मिल जाएगा। माउस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी, ऊपर टैब्स आएंगे तो आपके पास पॉइंटर्स यहाँ पे आएगा। पॉइंटर्स में आपके पास ये काफी सारे अलग अलग मोड हैं एरो के, ठीक है, यानी कि कर्सर के। तो नॉर्मल जो कर्सर नॉर्मल सेलेक्ट में जो मोड होता है, यानी कि जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है बिना किसी क्लिक किए या फिर बिना किसी लोड किए, तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल सेलेक्ट का वो व्यू होता है, प्रीव्यू होता है। अगर आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो हेल्प में आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हर तरह का कर्सर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल सेलेक्ट ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने पर ये ऑटोमेटिकली कर्सर्स फोल्डर ओपन हुआ है हमारा। अगर आपका ऑटोमेटिकली ओपन ना हो तो दिस पीसी सी ड्राइव विंडोज कर्सर्स, अब वापस यहाँ पर आगे कर्सर्स में, और यहाँ पर आपको india.ani की फाइल थी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसको हमने सिलेक्ट किया, ओपन किया, अप्लाई किया। अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे देश का झंडा यहाँ पर आ रहा है। आप किस देश से बिलोंग करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है आप हमें जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको आपका खुद का एनिमेटेड किया हुआ कर्सर भी क्रिएट करना बताऊंगा। देखते रहिए बस ट्वेटेक आगे आने वाले वीडियोस के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।